सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं Realme Buds Air के बारे में, जो कि अभी थोड़े पुराने हो चुके हैं। सो लकली मैंने इसको यूज किया और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो ये वीडियो इन डेप्थ रिव्यू होने वाली है Realme Buds Air के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एयरपॉड्स जैसा ही डिज़ाइन है इसका, और यहाँ पे इसका क्लिक बिल्कुल मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। सो जो ओवरऑल डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक बटन है जो कि पेयरिंग के लिए यूज़ होता है। नीचे आपका टाइप सी पोर्ट के लिए, जहाँ पे आप टाइप सी को चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली। और मुझे ओवरऑल बिल्ड काफ़ी अच्छी लगी, इसकी प्रीमियम लुक भी है। सो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही सीमलेस है, आपको कोई इसमें डिले देखने को नहीं मिलेगा। इवन जब मैंने इसको कनेक्ट कर रखा था, उसके बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया, फिर दोबारा मैंने कनेक्ट किया अपने आप ही, जब आप इन ईयर करते हैं तो डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। तो काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस है कनेक्टिविटी के मामले में, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। सो इवन अगर हम विंडोज़ लैपटॉप की बात करें या फिर मैक की बात करें, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर भी आपकी कनेक्टिविटी वो काफ़ी अच्छी है, सीमलेस है, और मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। सो नेक्स्ट है हमारे पास टच कंट्रोल्स। तो मैंने काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे थोड़ा दिक्कत आई है टच कंट्रोल्स में। तो जैसे आपको पता है, जब आपके ईयरपीस होता है वहां पे आपको डबल टैप सिंगल टैप करते हैं, तो यहां पे ऑटोमेटिकली प्ले पॉज या फिर नेक्स्ट सॉन्ग अपने आप ही हो जाता है। तो यहां पे भी सेम टू सेम है, यहां पे जो एरिया है स्पेसिफिक जहां पे आप डबल टैप सिंगल टैप करते हैं वो थोड़ा ना स्पेसिफाइड है। तो यहां पे अगर आप काफी अलग अलग जगह पर टच करेंगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा, तो आपको ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी कि यहां पे जब भी मैं डबल टैप कर रहा था तो वहां पे वो चीज नहीं होती, क्योंकि यहां पे जो स्पेसिफिक एरिया है वो काफी छोटा है। तो यहां पे आपको थोड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज के मामले में। बाकी अगर मैं बात करूं रिस्पांस के बारे में, तो यहां पे कभी कभी रेयरली आपको डिले देने को मिलता था, लेकिन यहां पे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट है और सीमलेस है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंसी की। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक गेमिंग मोड देने को मिल जाता है, जहाँ पे आप दोनों ईयरपीस को डायरेक्टली आप साइमल्टेनियसली टच करेंगे या होल्ड करके रखेंगे, और आप लेटेंसी मोड में चले जाते हैं जहाँ पे आपको लो लेटेंसी देने को मिल जाती है, और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। सो जिन लोगों को नहीं पता लेटेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे आपको जो एक्शन परफॉर्म की जो आवाज़ है वो आपको कानों में काफ़ी लेट पड़ रही है, तो वो होती है लेटेंसी। जहाँ पे आपकी लेटेंसी जितनी लो होगी उतना आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देने को मिल जाता है। जैसे कि वहाँ पे मुक्का मारा, आपको डायरेक्टली आपके कान में आवाज आके वो मुक्का मार रहा है, तो वो होता है रियल टाइम, आपके मतलब लेटेंसी लो है। सो यहाँ पे काफी गेमर्स आजकल गेम खेलते हैं और वहाँ पे आपको काफी लो लेटेंसी चाहिए होती है, तो यहाँ पे रियलमी ने एक स्पेसिफिक फीचर निकाल रखा है जहाँ पे आप डायरेक्टली लो लेटेंसी मोड पर जा सकते हैं और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और साथ ही में जब आप लो लेटेंसी मोड पर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी बैटरी भी थोड़ी इफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप काफी ऑन द रियल टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ें, तो यहाँ पे आपकी बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी काफ़ी बैटरी डाउन हो सकती है इसमें। सो इसकी जो रेंज है वो है कम से कम 7 to 8 meters, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5 देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पे 7 to 8 meters। मतलब कि अगर आप फोन और जो ईयरपीस अगर आप दूर दूर जा रहे हैं, मतलब फोन से जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी है, तो आपको कम से कम 7 to 8 meters तक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा पार जाएंगे तो अपने आप ही कनेक्शन लूज हो जाता है, और जितना आप दूर रहेंगे उतने आपको थोड़ी बैटरी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि थोड़ी बैटरी ड्रेन हो सकती है। सो रेंज काफ़ी अच्छी है इसकी। सो नेक्स्ट हम चीज़ बात करते हैं वो है बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी आपको कम से कम 2.5 आवर्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी ईयरपीस की। तो अगर हम बात करें चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको 14 आवर्स तक बैटरी देखने को मिल जाती है। मतलब आप जब ईयरपीस लगाएंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम 2.5 आवर्स तक ला सकते हैं, उसके बाद आपको चार्जिंग केस में दोबारा डालना पड़ेगा, फिर वो चार्ज होगा। सो ओवरऑल आपको 17 आवर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 14 आवर्स चार्जिंग केस और 2.5 आवर्स आपकी ईयरपीस देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ इसी कंफर्ट की, तो कंफर्ट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको गिरने का डर भी लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे रबराइज टेप बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता है कि अगर आप रबराइज टेप होते हैं आपको डायरेक्टली कान में फिक्स हो जाती है, फिर गिरने का डर बहुत ही मिनिमल चांसेस होते हैं कि आपको गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रबराइज टेप नहीं है, तो यहाँ पे आपको गिरने के चांसेस हमेशा लगे रहते हैं। थोड़ा ओवरऑल आपको स्टार्टिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली कंफर्टेबल फील होने लग जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है ऑडियो क्वालिटी। तो मैंने इसमें काफ़ी गाने सुने, मैंने इसमें कॉल भी की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप पूरा 100% ऑडियो कर देते हैं इसकी, सो वहाँ पे इसकी जो आवाज़ है फिर फटने लग जाती है, तो ये आपको 100% पर नहीं कर सकते, लेकिन 95, 80, 90 वो काफ़ी अच्छा रहता है और सॉफ्ट साउंड रहती है काफ़ी अच्छी। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉलिंग का। तो यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप की जो बैकग्राउंड नॉइज होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और यहाँ पे आपको ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो यही था मेरा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस Realme Buds Air का। तो आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंजॉय दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन। अंटिल देन गुड बाय।